माँ जी, माँ जी, क्या है भागवती? यहाँ देखो माँ जी। बच्ची ना खड़ा होना शुरू कर दिया, कुछ ही दिनों में चलना शुरू कर देगी। Yes? डॉक्टर कहाँ है? अपने कमरे में है। डॉक्टर, क्या है बहन, क्या बात है? डॉक्टर, और कुछ ही दिनों में मेरी बच्ची चलने लगेगी, ऐसे सभी लोग कह रहे हैं। डॉक्टर, मेरी बच्ची चलनी नहीं चाहिए, मेरी बच्ची चलनी नहीं चाहिए। डॉक्टर, कोई भी दवा देके ऐसा कीजिए कि मेरी बच्ची चलनी ना पाए। क्या हुआ, पागल हो गई हो क्या? बच्चा जब पैदा होता है तो हर माँ यही पूछती है कि कब चलना शुरू करेगा, और तुम हो कि अच्छा खासा चलने वाले बच्चे हो, ना चल पाए कह रही हो। नॉनसेंस। डॉक्टर, तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर आने दिया यही गलत है। गेट आउट। अरे नाग देवी, यहाँ देखो नाग देवी आई हैं। नाग देवी, ये आप रख लो। स्वामी जी, क्या है पुत्री? मैं अच्छी हूँ, मेरी बच्ची चलनी नहीं चाहिए। स्वामी जी, कोई भी मेद मंत्र पढ़ के ऐसा कीजिए कि मेरी बच्ची चलने ना पाए, बिल्कुल चलने ना पाए। वेद मंत्रों को शुभ कार्य के लिए ही पढ़ा जाता है पुत्री, तुम्हारे बेटे को ना चलने के लिए नहीं। तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हारा बेटा जल्दी चले, परंतु तुम्हारी जिह्वा कहती है कि न चले। विधि को बदलना मेरे वश में नहीं है बेटी, बालक को ले जाओ। स्वामी जी, विधि के अनुसार ही सब कुछ होगा, जाओ। ये लीजिए माँ जी, बच्चे के लिए दूध। रहने दो, बच्चा सो गया है, जाके झोले में डाल दो। नाग देवी, नाग देवी, आप हमारे घर तक आई हैं, आपकी क्या सेवा करें? सावित्री, इसे देखा, हमारी बच्ची जल्दी चलना शुरू करे इसलिए इसे लेकर आया हूँ। कैसा है? बच्ची के लिए क्यों लेके आए?
किस लिए लेके आए? बताइए क्यों लेके आए? क्यों लेके आए बताइए? क्यों लेके आए? बस करो, क्यों लेके आए? स्टॉप, नो, हमारा बच्चा चलना नहीं चाहिए। इसके लिए तुम उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, स्वामी से जाकर कहा था, सब मैं जानता हूँ। एक माँ का दुख मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा भी। उस दर्द और वेदना में तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कर रही हो, फिक्र मत करो। विधि को हम बदल कर दिखाएंगे, जीत कर दिखाएंगे। यहाँ एक माँ उसका बच्चा चले ना पाए गुहार लगा रही है, तो वहाँ एक नाग बच्चे को खिला रहा है। ऐसा क्यों 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 क्यों? आज के कलयुग में लड़की को दूल्हा तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन शादी का मंडप बड़ी मुश्किल से मिलता है। अच्छा हुआ जो तारीख को हमें चाहिए उसी तारीख को हमें मंडप मिल गया। हाँ, ये लीजिए एडवांस। इस लड़की की फोटो यहाँ क्यों लगाई है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये तो इस मंडपम के मालकिन हैं। इस लड़की का मंडप है ये, एडवांस वापस कीजिए। किस लिए? हाँ, ये औरत बिन बच्चे की बांझ औरत है। इस मंडप में अगर अपनी बेटी की शादी मैंने की तो वो भी बांझ बन जाएगी। जल्दी से पैसा निकाले। आपका बेटा बहुत किस्मत वाला है, इसलिए हमारे घर लड़की देखने आए हैं, है ना मौसी? सच कहा, मेरी बेटी दिखने में मेरी तरह मोटी है, लेकिन गुण में बिल्कुल सोना है। देखो वो खुद आ गई। मेरी बेटी श्रीदेवी। वैसे मेरा नाम मोटी मालती रखा था, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने श्रीदेवी रख लिया। कैसा लगा? दूल्हे के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे। मैं तो भूल ही गई। अच्छा तुम सावित्री हो ना, तुम यहाँ कैसे? इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरी बहन है। अपने पति की मैं दूसरी पत्नी हूँ, सावित्री पहली पत्नी की बेटी है। ऐसा है क्या? सुन क्यों जी, आप दोनों ही बात करेंगी तो कैसे, हमसे भी बोलिए ना। कुछ नहीं जी, आपकी पत्नी सावित्री के बारे में हमने बहुत सुन रखा है। सुना है वो एक बांझ है। लड़की तो मुझे पसंद है, लेकिन अपनी बहन की तरह यह भी बांझ हो गई तो मैं क्या करूंगा? इसलिए लड़की में कोई समस्या नहीं है, इसके लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाके दीजिए। लड़की को बच्चा पैदा हो कि नहीं ये सर्टिफिकेट की बात तो ठीक है, पहले तू मर्द है या नहीं एक सर्टिफिकेट लेकर आ। क्या कहा? गेट आउट, बाहर जा। चलो माँ। मामा देखो ना, उन्हें बोलो ना कि मुझे मोटा मोटा सा बच्चा पैदा होगा, बुलाओ ना माँ उन्हें, बुलाओ ना। किस मुंह से मैं उन्हें बुलाऊं? तुम्हारी बहन के पति ने उन्हें यहाँ से चले जाने को कहा, इन सारी मुसीबत की जड़ भी तो मैं ही हूँ। तुम्हारी वजह से? हाँ बेटी, तुम दोनों में पहले किसका बच्चा होता है उस बच्चे को ही सारी संपत्ति मिलेगी। तुम्हारे पिता वसीयत में लेकर काशी चले गए, फिर आए ही नहीं। सावित्री को बच्चा पैदा हुआ तो सारी संपत्ति उसे चली जाएगी उस डर से। उसे गर्भ ना ठहरे इसके लिए दवा दूध में मिला कर दी, और उसे बांझ बनाने वाली मैं ही हूँ। उस वजह से तेरे जीवन पर भी असर पड़ेगा, मैंने सोचा ही नहीं था। रे रे रे, तुम तो बहुत ही बुरी हो, मुझसे बात मत करो। अब तुम दूध दोगी तो मैं नहीं पीऊंगी, तुमसे कट्टी। सर, हाँ? बैंकॉक से आपके दोस्त ने फोन किया था, शाम को फिर वो फोन करेंगे। इस देश में अनमोल नागमणि है ये जानने के लिए ही उसने फोन किया होगा। मैंने भी काफी कोशिशें की लेकिन नागमणि कहाँ कुछ पता नहीं चला। बट वन थिंग, आज किसी भी कीमत में मैं उस नागमणि को ढूंढ के ही रहूंगा। यस, कम ऑन, शो मी। No.
या शिट कम ऑन कम ऑन ओ नो शो वाओ शो शो वो मणि कहां है वो मणि कहां है वेर इज इट कहां है राज नागेश्वरम नागम्मा नागेश्वर की नाग माता यह सर नागमणि कहां है पता चला हां नागेश्वर गांव की नाग माता के माथे पर है उसे लेकर ही रहूंगा मैं सर नागदेवी बहुत शक्तिशाली है आप उसे नहीं जीत पाएंगे ए नागदेवी की शक्ति दूसरों से कहना मुझसे नहीं क्योंकि मैं गरुड़ शक्ति के साथ पैदा हुआ हूँ सिर्फ यही नहीं सर्प विनाश का मंत्र भी मुझे आता है कल ही नागेश्वर गांव जाऊंगा नाग माता को अधीन करूंगा और उसके माथे से नागमणि को छीन लूंगा सर बहुत डर लग रहा है सर चलिए वापस चलते हैं अरे वाह तेरे सेंटीमेंट से मैं डरने वाला नहीं हूँ सीमा तो क्या मंदिर के अंदर जाके दिखाता हूँ चलो सर मैंने पहले ही कहा था कि नाग शक्ति से मत खेलिए लेकिन आपने नहीं सुना hey, नाग माता एक सांप है देवी नहीं 100 वर्ष जीने की वजह से उसे देवी शक्ति मिल गई है दैट्स ऑल बट वन थिंग इस सीमा के अंदर भी अपनी शक्ति दिखा सकती है एक ना एक दिन वो इस सीमा से बाहर जरूर आएगी तब वो फंस जाएगी तब उसे पकड़कर उस अनमोल मणि को हासिल करके रहूंगा Take it easy. कैसे आसानी से जाने दूं? एक छोटा पौधा होगा, उसको भी फूल होगा, एक पक्षी होगी, उसकी भी एक बेबी होगी, लेकिन लड़की का जन्म लेकर मैं बिन बच्चे की हो गई। सावित्री, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, एस्ट्रोलॉजर से भी मिल लिया, अब भगवान ही हमें कोई रास्ता दिखाएगा। सुनिए नागेश्वर गांव में नाग देवी का मंदिर है कहते हैं वहां जो भी मन्नत मांगने से पूरी होती है अभी उस मंदिर को चलें बस इतना ही ना ओके देवी नाग देवी मेरा होने वाला दामाद 5 तोला सोना मांग रहा है यहां तो खाने के लाले पड़े हुए हैं मैं 5 तोला सोना कहां से लाके दूंगा मेरी बेटी की मांग तुझे ही भरनी होगी देवी Thank you.
नागदेवी, तू इस गांव के सिर्फ रक्षक ही नहीं है माँ, हर किसी की कामना पूरी करने वाली करुणामयी देवी है माँ। नागदेवी की महिमा देखी, उसकी बेटी को मंगलसूत्र देने वाली ये नागदेवी मुझे भी सच्चे मन से बच्चा होने का सौभाग्य प्रदान करेगी। नागदेवी, एक लड़की का दर्द दूसरी लड़की ही समझ सकती है। गांव में सभी मुझे बांझ बांझ कह के टॉर्चर करते हैं, तुझे नहीं पता होगा क्या, एक लड़की अंधी हो सकती है पर बांझ नहीं होनी चाहिए। सबको आशीर्वाद देने वाली तू, मेरे ऊपर भी कुछ दया दिखा के मुझे भी एक बच्चा दे दो देवी। पाल पोस कर जीवन का आनंद उठाने के लिए नहीं, मैं बांझ नहीं हूँ इस गांव को पता चले, माँ होने का गर्व मुझे मिले, उसके लिए एक ही बच्चा कर्ज के तौर पे दे दो। मेरी गोद में रहने तक ही मेरा बच्चा मेरी संपत्ति है, चलना शुरू किया तो वो तुम्हारा होगा। जब मेरा बच्चा चलना शुरू कर दिया तभी उसे यहां लाकर छोड़ दूंगी। ये मेरा वचन है। क्यों वकील साहब, इस घर में पैदा होने वाले पहले बच्चे को ही सारी जायदाद मिलनी चाहिए, ऐसी वसीयत लिखकर वो काशी चले गए। मेरी बेटी की ना तो शादी ही हुई और ना ही बच्चा हुआ। हाँ माँ जी, आने वाले दूल्हे आपके बेटे को पढ़ना नहीं आता है लिखना नहीं आता कहकर चले जाते हैं। तो बताओ ना क्या करना है। मेरे होते हुए फिक्र किस बात की, मैं कहीं ना कहीं से बड़ा संगीतकार ढूंढ कर लाऊंगा और बेटी की शादी उससे कराऊंगा। मेरी बात सुनो भैया, मुझे 10 रुपये उधार चाहिए, दोगे क्या? 10 रुपये? 10 पैसा भी तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं देगा? अब बोल, देगा या नहीं? देगा, देगा। ये हुई ना बात, निकाल निकाल। किसी ने सच कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साला भाग गया क्या? आज के लिए इतना काफी है। क्या गीत गा रहे हो भाई जी, आप तो कमाल के हो। अच्छा, घर को चलोगे? किस लिए? काम के लिए। घर के अंदर धंधा करते हो? पक्का कर दूंगा। बाप रे बाप, लगता है बहुत बड़े घर में धंधा करने आया हूँ, अपनी काबिलियत दिखाई देता हूँ। माँ जी, मैंने कहा था ना, वही है। नमस्ते। चेहरे पर कितना तेज है, आपका नाम क्या है? आनंद राज। नाम आनंद राज और गाने में भी आनंद भरा है। सुनो भैया, बड़े आदमी को ही लेकर आए हो। अच्छा, हाथ में वो पेटी कैसी? उसी में संगीत का साज होगा। ओ, ये बात है। भाई साहब, खानदानी आपका पेशा यही है क्या? ठीक कहा, मेरे दादाजी तिरुपति किया करते थे, मेरे पिताजी काशी में किया करते थे, मैंने खानदानी पेशा गांव में ही शुरू किया। आपने मुझे यहाँ बुलाया है किसके लिए? देवी, बेटी श्रीदेवी। अरे रे, क्या बात है माँ? ये क्या माँ जी, लड़का सोचा था, ये तो लड़की आ गई। लड़की को तो काम पर आ गए हो तो लड़की और लड़के में क्या फर्क? मेरी सर्विस में इतना बड़ा कभी देखा ही नहीं मैंने, बाल। श्रीदेवी, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। भाई साहब, आप अपना काम शुरू कीजिए। क्या, हर कोई मुझे बाहर काम करने के लिए कहता है, आप मुझे घर के अंदर कहने के लिए कह रही है? क्या बात है, धंधे की इतनी इज्जत कर रहे हैं। तुम्हारे धंधे की इज्जत नहीं, तुम्हारे पेटी की इज्जत कर रहे हैं। उस पेटी में क्या है? आम है, भूख लगती है तब इसे खाता हूँ मैं। आपका खानदान ही ऐसा है?
आप भी एक खाइए ना। नहीं नहीं आप ही रख लीजिए, अंदर जाइए। हाय। धंधा शुरू कर दें? अरे रे तुम नीचे क्यों बैठे हो? जमीन पर बैठकर ही मेरी काम करने की आदत है। अरे रे हैं? मैं जब से आया तब से देख रहा हूँ तो मुझे आंख मार रही है। मेरी उम्र का भी तुझे ख्याल नहीं है? आंख मारना क्या गलत है? क्यों मजाक कर रही है? बीच रास्ते में किस करने के तेरे दिन है क्या? चुम्मा वो क्या होता है? ये कहाँ आके फंस गया रे मैं? किसका मतलब नहीं मालूम, होठ से होठ मिलाकर यूं देते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी एक चुम्मा दो ना, दो ना। किसके? इस उम्र में मैं नहीं दूंगा। अब तुम नहीं दोगे तो मैं अम्मा से बता दूंगी। नहीं नहीं अम्मा। क्या है बेटी? मैं जो मांग रही हूँ गुरुजी नहीं दे रहे हैं। क्यों भैया, इसने ऐसा क्या मांगा जो वे नहीं दे रहे? समझ रही माँ जी, संगीतकार की पेटी में आम होगा, बेटियाँ मांग रही हुई और वो कंजूस दे नहीं रहा है। हाँ बात है। क्यों जी, बेटी प्यार से मांग रही है ना, एक दे दीजिए ना। ये क्या माही को देने के लिए कह रही है? कैसा खानदान है रही है? ओए दोगे कि नहीं? दो ना। अभी देता हूँ। बढ़िया है, एक और दो ना। माँ जी आपकी बेटी एक गुड़ देने के लिए कह रही है। तो क्या हुआ, बिटिया मांगते समय तक देते ही रहो ना। अभी देता हूँ। ये क्या, फल को इतना चूस चूस के खा रहे हैं? वो मलिहाबादी आम होगा, चूस चूस के खा रहे होंगे। अच्छा आम। अरे कहाँ जा रहे हो? आज मंगलवार है, बाजार बंदी का दिन, फिर किसी दिन देने के लिए आता हूँ मैं। सावित्री उल्टी क्यों कर रही हो? ये पित्त की उल्टी है या गर्भ की उल्टी है? नागदेवी से मांगी मन्नत पूरी हो गई, अब मैं गर्भवती हूँ, अब मैं बांझ नहीं हूँ जी। अरे वाह। कपूर लाना ही भूल गई। भागवती गर्भ खत्म करने वाली दवा इसमें मिक्स की है, पूजा खत्म होते ही ये दूध वो पिएगी और पेट में ही वो बच्चा खत्म। लक्ष्मी कभी ऐसा नहीं करती, पर आज क्यों गिरा दिया? तुम जो भी करोगी भले के लिए ही करोगी। छे, इस गाय ने काम ही खराब कर दिया, वो बच गई। डिलीवरी के दिन कैसे भी आदमी भेज के इसके पेट के बच्चे को खत्म किए बिना नहीं रहूंगी। तक सहा नहीं जाता, जल्दी अस्पताल ले जाइए। थोड़ा सहन करो सर, जल्दी अस्पताल पहुंच जाएंगे। सावित्री, Yeah.
बच्चा पैदा करेगी, देखता हूँ मैं कैसे बच्चा पैदा करती। डॉक्टर, इसका रिजल्ट क्या हुआ? अजीब समस्या है, 10 महीने हो गए लेकिन बच्चा क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं चल रहा है। पेट में बच्चा है कि नहीं शक है। अगर हम ऑपरेशन करें तो बच्चे के बारे में पता चलेगा? नहीं नहीं, डिटेल जाने बिना ऑपरेशन करने में समस्या होगी। इस तरह की अजीब केस हैंडल करने वाली डॉक्टर अमेरिका गई हुई है। उन्हें फौरन आने को नहीं कह सकते? आज रात की फ्लाइट से आ रही है ऐसा मैसेज मिला है। मैंने उन्हें देखा तो नहीं लेकिन कोशिश करता हूँ। उनका नाम? डॉक्टर नागमणि। हेलो, डॉक्टर अरुण हियर। मैं डॉक्टर नागमणि बोल रही हूँ। डॉक्टर आप? डॉक्टर नागमणि। ओ अच्छी, इसके पहले मैंने आपको कभी देखा नहीं, आइए। डॉक्टर ये रही पेशेंट। डॉक्टर आप जाइए, मैं नहीं संभाल लूंगी। मैं नर्स भेजता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगी। यस डॉक्टर। डॉक्टर मैंने आपको पहले कहीं देखा है? पास के गांव में तो हूँ, देखे भी ना रह सकती हो क्या? आप नहीं आएंगे सोच के मैं डर रही थी। मेरे अलावा तुम्हारी डिलीवरी कोई नहीं देख सकता, ये तुम्हारा भाग है, इसीलिए सही समय पे मैं गर्भ कराने आ गई। डॉक्टर मेरे पेट में बच्चा है या नहीं सभी शक कर रहे हैं। शक करना तो मनुष्य का स्वभाव है। तुम्हारी कोख में बच्चा है, वो भी एक लड़की है। लड़की है? ये क्या डॉक्टर आप ऐसा कह रही हैं जैसा आपने देख लिया हो? फन उठा के देखना, मुझे बहुत पसंद है। बहुत दर्द हो रहा है, फिक्र मत करो अभी दर्द चला जाएगा। बाहर जाने बिना बच्चे को कोख में पाला और बिना कष्ट के डिलीवरी हो गई। डॉक्टर जैसे कि आपने कहा वैसे ही लड़की हो गई। ये सच है या सपना पता ही नहीं चला। तुम्हारा सपना आज सच हो गया, मैंने अपना वचन पूरा किया। बहुत आराम से डिलीवरी होगी बोला था ना, उसी वचन की बात कर रही हूँ। डॉक्टर मेरी बच्ची बहुत सुंदर है ना? सच कहा, आंखें बिल्कुल मनी जैसी हैं, गर्दन मखमल जैसी और बाल घने घने हैं, बिल्कुल नागरानी जैसी। ये बात है तो मैं रानी नाम रखूं? बहुत खुशी हुई, तो मैं चलूं? डॉक्टर आप फीस लिए बिना ही जा रही हैं? फीस
मैं अकेली रहती हूँ, मेरा खाना है दूध और अंडा, मैं फीस लेके क्या करूँगी? लेकिन देना मेरा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को नहीं भूलो तो बस है, और फीस कब कहाँ और कैसे लेनी है ये मैं ठीक तरह से जानती हूँ। देने के लिए सबसे बड़ी दानी हूँ और लेने में बिल्कुल सेठ की तरह। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं फोन कर सकता हूँ? क्यों नहीं, थैंक यू। मिस्टर रामू, कंग्रेचुलेशंस, आपको लड़की हुई है। थैंक यू डॉक्टर, मैं बच्चे को देखूं। हाँ, जरूर। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई सांप की बांबी है? सर, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, यहाँ सांप की महक। आज तो बच गई, पर एक न एक दिन तुम अपनी सीमा से जरूर बाहर आएगी, और उस दिन तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ, नमस्ते। उस दिन मंगलबंदी कह के काम खत्म किए बिना चले गए, आज क्या इरादा है? आज पूरा कर देता हूँ। मेरे दादाजी तिरुपति, मेरे पिताजी काशी। तुम बहुरूपी है। ठीक कहा। आइए ना। जय हो प्रभु। थोड़ा पानी लेके आ। पानी? हाँ। अम्मा, गुरुजी पानी मांग रहे हैं। सुनो, ये पानी क्यों मांग रहे हैं? गाते वक्त गला थकता है ना, उसको गीला करने के लिए। इसलिए बेटी, पानी दो ना। अरे रे, कैंची किस लिए? काटना नहीं है क्या? अम्मा, काटने को कह रहे हैं। क्या, काटने को कह रहा है? किसे? हमारी बेटियाँ कभी कभी पागल से जो सब बात करती है ना, उसी को काटने के लिए कह रहे हैं। ये बात है तो ठीक है। भैया, उसकी बात बिल्कुल मत मानना, अच्छी तरह से काट देना। जब माँ ने कह दिया, कोई अपील नहीं। पानी डाल रहे हैं किस लिए? संगीत सीखते वक्त पानी छिड़क कर आशीर्वाद देते हैं ना, इसीलिए। सुनिए, अच्छे से पानी डाल के अपना काम शुरू कीजिए। क्या किंग साइज है? अंदर संगीत की बजाय रोने की आवाज आ रही है। ओ, क्या है माँ जी, संगीतकार ने शुरू करते ही उगारी राग शुरू कर दिए होंगे। ओ, तो ये बात है। टकला हो तो एकदम ऐसा बतख के अंडे के माफिक मुलायम। भैया, इतनी जल्दी खत्म कर दिया? ये कौन सी बड़ी बात है, 10 लोगों को एक साथ बिठा के जमीन पर सबका सफा चेक कर दिया करता था। मेरा मेहनताना। मेहनताना मत कहिए, गुरु दक्षिणा कहिए। सुनो, 100 रुपए देना। ये लीजिए। जय हो प्रभु। एक मुंडन के लिए 100 रुपये? आज तक रिकॉर्ड है किसी ने इतने पैसे नहीं दिए। माँ जी,
आप भी अंदर आइए, आपका भी काम कर देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, बेटी को बुलाती हूँ, आशीर्वाद कीजिए। बेटी श्रीदेवी आजा आजा। गुरुजी इसकी क्या हालत है? नहीं पता, मुंडन, यही तो मेरा धंधा है। संगीत सिखाने को कह के इसका अपने मुंडन ही कर डाला। मेरा पेशा यही है, मैंने कहा था ना, मेरे दादाजी तिरुपति में मुंडन करते थे, मेरे पिताजी काशी में करते थे, मैं गांव में ही करता हूँ, कैसा रहा? क्यों रे बदमाश, कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी। गलती वहाँ नहीं हुई, गलती यहाँ हुई है। शादी लायक बेटी का ये हाल कर दिया, अब इससे कौन शादी करेगा? अब चिंता मत कीजिए, एक और 100 रुपए दीजिए, इसके बाल जो काटे हैं उसका एक विग बना देता हूँ। सावित्री? हाँ अभी आई। दूध में अगर जहर मिलाया तो हम फंस सकते हैं, वही डायरिया टेबलेट मिक्स किया, बेबी को डायरिया होके खुद ही मर जाएगी, हम बच जाएंगे। भूख लग रही है। अरे रे दूध की बोतल, कब से मुझे दूध पीने की इतनी इच्छा थी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे देती नहीं है, आज मैं इसे पूरी खत्म कर दूंगी। आह पीने में कितना मजा आ रहा, कितना स्वादिष्ट है। नौकरानी आ रही है, अगर ये देख लेगी तो अम्मा को बता दी, बाद में पीऊंगी। भागवती कॉफी का क्या हुआ? अभी आती हूँ माजी। अरे रे दूध तो खत्म हो गया, मैं क्या करूँ, माजी तो कॉफी मांग रही है। हाँ इसी दूध से मैं कॉफी बना दूंगी, उन्हें क्या पता चलेगा। क्या माँ बहुत खुश नजर आ रही हो, एक जबरदस्त काम करके आई हूँ, अभी कुछ देर में कैसा हंगामा होने वाला है खुद ही देख लेना। सच में मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। अरे मेरे पेट में भी, अरे माँ बहुत गड़बड़ हो रही है, अब क्या करें, बहुत दर्द हो रही है। अरे मेरे पेट में भी गड़बड़ हो रही है, दर्द हो रहा है मुझे, पहले मुझे जाना है। माँ नहीं देखो मुझे पहले जाना है, मुझे जाना है, गड़बड़ हो रही है। अरे रुक ना, माँ जल्दी आओ ना बाहर, जल्दी आओ दो मुझे। जल्दी आओ, जल्दी बाहर निकलो, बहुत गड़बड़ हो रही है। अरे जल्दी जल्दी दो। जल्दी आ, जल्दी आना। माँ पेपर लेकर जाओ। माँ क्यों, पढ़ने के लिए? अंदर पानी खत्म हो गया है। हे भगवान अब मैं क्या करूं? माँ
हलो जो 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 माँ माँ मामा माँ आ गई अजो मेरी रानी, मैं तुम्हें दो चावल खिलाने वाली हूँ, चलो मुँह खोलो। कामाक्षी माँ आप अच्छी हैं? अच्छी हूँ। अच्छे से शादी निपट जाए तो मंगलसूत्र हुंडी में डालने की तुमने प्रार्थना की थी, वैसे ही करने आ गई ना। शादी के तीसरे महीने में मंगलसूत्र उतारना इन्हें पसंद नहीं, उसके बदले में पैसे डालने आए हैं। नहीं बेटी नहीं, नागदेवी के बारे में तुम नहीं जानती, ये देने में जितनी दयावान है वसूल करने में उतनी ही बड़ी सेठानी, ब्याज के साथ मूलधन वसूल करेगी, इसे तुम धोखा देने की सोच रही हो। हम कोई धोखा नहीं दे रहे माँ जी, मंगलसूत्र के बदले पैसे डाल रहे, इसमें क्या गलती है? चलिए चलिए जी। शशि ये लो पैसे, हुंडी में डाल दो। जैसा आप कहें। नाग देवी को धोखा दोगे तो खुद ही धोखा खा जाओगे, ऐसा कहा था तुमने सुना? मंगलसूत्र जो डालना था वो लेके ब्याज के रूप में पैसे भी ले लिया। सुनिए चलिए घर चलते हैं, चलिए ना। सावित्री क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ, देख के भी अनजान बन रही हो, काम खत्म होते ही भूल गई क्या? ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे उम्मीद नहीं की थी। हॉस्पिटल में ही कौन सी मेरी उम्मीद की थी तुमने? उस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो मदद नहीं कर्ज है। कर्ज? मैंने अभी तक तुमसे फीस नहीं ली ना, जब तक फीस नहीं लूं वो कर्ज ही तो हुआ। अच्छा बच्ची ने चलना शुरू कर दिया? नहीं अभी नहीं। वो चलना शुरू कर दी तो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना? क्या? नहीं चलना शुरू कर दी तो घर से बाहर सड़क पे चली जाएगी ना, डर गई। अच्छा मैं चलती हूँ। मेरा बच्चा चले दौड़े खेले लेकिन कभी भी मेरा बच्चा मेरे पास ही रहना चाहिए, वो मेरे पास ही रहना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसी कामना किए तुम्हारी गलती है, वो सोच के डरने के बजाय उससे कैसे बचे उस बारे में सोच। माजी माजी बच्चे लापता है। हा? क्या मेरा बच्चा लापता है? मान जी हमारा बच्चा। बच्ची थी ना? जी हाँ देखा क्या? हाँ यहाँ कोई अनाथ बच्ची पड़ी थी, एक माँ जी आई कहा कि बच्चा मेरी पहचान वाले का है और उन्हें पहुँचा दूंगी, और बच्ची को उठा के ले गयी। अच्छा वो किस तरफ गई? बस स्टैंड की तरफ। टिकट 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 कहाँ जाना है मैडम? नागेश्वर गांव। सर 10 महीने की बच्ची नारंगी रंग का कपड़ा पहनी थी। एक औरत लेकर आई देखा क्या? अभी तो बस में गई है। किस बस में? नागेश्वर गांव की बस में। नागेश्वर की बस में? रानी 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 मेरा शक बिल्कुल सही निकला, हमारे जाने बिना हमारे बच्चे को मंदिर ले आने वाली और कोई नहीं, नाग देवी है, नाग देवी ही है। आज मेरी सारी उम्मीद चली गई, सच्ची में नाग देवी बच्ची को मुझसे ले जाएगी, अब से मेरी बच्ची मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। सावित्री क्यों सब विकार में डर रही है? पास के गांव में होने की वजह से नाग देवी हमारी बच्ची को खोजने यहाँ आई, हम बच्ची को नाग देवी की पहुंच से बहुत दूर लेकर चले जाएंगे, चलो चलते। भक्तगण स्वामी की पूजा करनी है तो बस 10 पैसे का कपूर जला के हाथ जोड़ना ही काफी नहीं है, अच्छे से प्रसाद चढ़ाना है, अच्छे से दूध गर्म करना है, गुलाब का फूल चढ़ाना है, बाद में बढ़िया घी की खुशबू वाला हलवा
ताजा ताजा काजू फ्राई करके चढ़ाओ और उसके साथ बढ़िया मोतीचूर के लड्डू बक्से में चढ़ाओगे तो स्वामी जी बहुत प्रसन्न होंगे और अवश्य दर्शन दे। ए स्वामी, यहाँ तो कड़वा तेल ही नहीं मिलता, तू काका बोल रहे हो? ए, कौन है तू? मैं हूँ बनारसी पार्वती अम्मा, मौका नहीं जानते तेरे घर का संडास साफ करती हूँ। चीची, ये क्या संडास वंडास की बात कर रही है? हाँ बदबू, हाँ पेट में जाती दफा खुशबू और बाहर आती दफा बदबू आती है। क्यों स्वामी, भक्तों से तो कहते हो गरम गरम घी का हलवा चढ़वाने के लिए, वो तो कुछ देर के लिए भगवान को भोग लगाते हो, बाकी तो सारा पेट में जाता है। क्या स्वामी, भगवान को पाने के लिए कोई सीधा साधा रास्ता बताओ, वो छोड़ के लोगों से कहते हो कि चढ़ावा चढ़ाओ, दूध लाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, कि अपना भंडारा भरते हो क्या? तू बहुत बोल रही है। भक्तगण आप ये प्रसाद ले जाओ। स्वामी, सबका कुछ कुछ दे रहे हो ना, हमका भी कुछ दे दो ना स्वामी, मोर तो बाल बच्चा भी नहीं बा। तेरे बाल बच्चे नहीं है, पास में एक पत्थर पड़ा है, 4 सालों से वो नाग देवी की मूर्ति है, वो तेरी बेटी की तरह है, उसे ले जाकर पाल पोस। हाँ सच कह रहे हो स्वामी, मेरी बेटी मूर्ति के रूप में वहाँ पड़ी हुई है, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। मेरी प्यारी बिटिया, मैं आ रही हूँ बिटिया, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। ओ मेरी सोनी बिटिया, मेरी लाडली, कहाँ है तू, कहाँ है मेरी बिटिया? अरे हाँ हाँ मेरी बिटिया, तू इधर बैठी हुई है, मैं तेरी अम्मा हूँ, अब मैं तुझे अपने घर ले चलूंगी, मैं तेरे पाल पोषण करूंगी, चल मेरी बिटिया, अब तुझे कोई फिक्र नहीं है, ठीक है? हाँ चल आजा। अरे अरे सुनते हो क्या है माजी? ये मूर्ति को जरा मेरे सर पे रख, तो मैं घर लेके जाऊंगी। ये बताओ इस पत्थर को घर क्यों ले जा रही हो? पत्थर बोला तो मारूंगी, ये नाग देवी है मेरी बिटिया, ऐसा मुझे स्वामी जी ने कहा है। स्वामी पागल है या तुम पागल हो पता नहीं। कोई पागल नहीं है, तू उठा के देना, 4 साल से यहाँ पड़ा है, तुम ले जा रही हो जगह खाली होगी। मेरी प्यारी नाग देवी, मेरी सोनी बिटिया। कॉफी लीजिए। सुनिए सुनिए, कॉफी पीने के बजाय इस तरह क्यों घूर रहे हैं? वो बची हुए 4 साल हो रहे हैं, अब भी लड़की की तरह लगती हो, वही तुम्हें देख के लाइन मारने का मन कर रहा था इसीलिए। देखिए इस तरह की हरकतें आप दिन में ही करने लगेंगे ना तो मैं बहुत बुरी हो जाऊंगी। 10 फीट की झोपड़ी में रहने वाले पति पत्नी भी टूट जाते हैं, हमें सरकार ने तो इतना बड़ा घर दिया है, इसी में दौड़ लगा कर पकड़ कर खेले तो कैसा रहेगा। बच्ची नीचे खेल रही है। हाँ अच्छा हुआ, 4 साल से नाग देवी की प्रॉब्लम के बिना हम खुशी से हैं। वो ठीक है सावित्री, तुमसे एक बात पूछता हूँ, वो नाग देवी बच्ची को ढूंढती हुई मान लो यहाँ भी आ गई तो तुम क्या करोगे? नाग देवी क्या, खुद देवी माँ भी आके मांगे तो मैं अपनी बच्ची को नहीं दूंगी। तो नाग देवी को दुश्मन मानती हो? प्यार में बंटवारा करने आई तो वो नाग देवी भी मेरी दुश्मन है, अगर वैसी कोई हालत हुई तो मैं मर भी जाऊंगी पर लड़कर मरूंगी। अच्छा कोई स्केच बना रहे थे, उसे आधे में ही छोड़ के आ गए क्या? हाँ। पहले जाके उसे बनाइए। अरे यहाँ क्या कर रही हो? आप जो काम कर रहे हैं मैं भी करूँगी डैडी। यानी तुम भी मेरी तरह इंजीनियर बनोगी? हाँ। अच्छा इस मशीन का नाम क्या है? इसका नाम कंप्यूटर है, इंसानों से इसका दिमाग ज्यादा है, हम कोई भी मैटर फिट करके रखें हम जब भी पूछेंगे वो दिखाएगा। ऐसा है क्या? हाँ। इधर देखो माय डियर कंप्यूटर, मैं जो ब्रिज बनाने जा रहा हूँ उसके तुम्हें फिट किया था, वो अभी रानी को दिखाओगे। वेरी गुड। वो देखा ब्रिज, द ब्रेक डाउन रिवर 5।
टन 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 टन, कैसा है ब्रिज? वेरी गुड डैडी, मैं भी इस मशीन को टेस्ट करूं। माय डियर कंप्यूटर, मेरी माँ के मन में क्या है दिखाओगे? ये क्या है डैडी? बांबी के ऊपर बच्चा? वो क्या है, तुम्हारी माँ ने पागलों की तरह कुछ फिट करके रखा है। ठीक है ठीक है, स्कूल का समय हो गया, जल्दी जाओ जाओ। छी, सावित्री का ही काम, चार साल पहले की बात भी नहीं भूली। अरे रे माँ, हमें यहाँ आए 4 साल हो गए हैं, ना ही मेरी शादी हुई, ना ही कोई बच्चा हुई, ना ही कोई जायदाद मिली। तुम दोनों में पहले किसका बच्चा होता है उस बच्चे को ही सारी संपत्ति मिलेगी। तुम्हारे पिता वसीयत में लेकर काशी चले गए, फिर आए ही नहीं, उस वजह से तेरे जीवन पर भी असर पड़ेगा, मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी लाडली बेटी, मेरी प्यारी बेटी, सो जाओ, जल्दी से सो जाओ, कल गांव में नाग पंचमी है, सारा गांव इस उत्सव को मनाएगा, हम भी वहां जाएंगे ना, इसलिए जल्दी से सो जाओ बिटिया। मेरी अच्छी बिटिया। क्या बिटिया, नींद नहीं आ रही है? नहीं आ रही? अरे क्या करूं मैं। हमारी मुन्नी अम्मा बच्ची के लिए लोरी गा रही है, मैं भी अपनी बिटिया के लिए लोरी गाऊंगी। आ जा बिटिया आ जा। दक्षिण में बसा है तिरुपति, उत्तर में बसी है वैष्णो माता। दक्षिण में बसा है तिरुपति, उत्तर में बसी है वैष्णो माता। बीच में बसा नागेश्वर गांव, जहां मिली है मोती की माला, ये मोती की माला। दक्षिण में बसा है तिरुपति, उत्तर में बसी है वैष्णो माता। दही अंडा खिलाओ कटोरी भर माँ, कटोरी भर माँ। साथ में चढ़ाओ गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। खाती है माई मोरी फिर मौका ललचावे, ऊपर से माई मोरी खावे मलाई पुआ। खाना हजम हो जावे, देव तो का काला चूरन, फिर मैं खिलाऊ तो का बनारसी पान बिड़ा। दक्षिण में बसा है तिरुपति, उत्तर में बसी है वैष्णो माता। बीच में बसा नागेश्वर गांव, जहां मिली है मोती की माला, ये मोती की माला। दक्षिण में बसा है तिरुपति, उत्तर में बसी है वैष्णो माता। गाँव गाँव घूमने आई माई,
जय सुधा, विजय शांति माधुरी के जय से निम्मत वाली तू, भानु प्रिया माधुरी की तरह नखरे वाली तू, दक्षिण में बसा है तिरुपति, दक्षिण में बसा है तिरुपति, उत्तर में बसी है वैष्णो माता, बीच में बसा नागेश्वर गांव, जहां मिली है मोती की माला, ये मोती की माला, आरी रो आरी रो आरा रो, आरी रो आरी रो आरा रो, आरी रो आरी रो आरा रो, आरी रो आरी रो आरा रो। अम्मा अम्मा, सर में जुए पड़ गई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पहले ही हम पर मुसीबत कोई कम है क्या? अच्छा, ये विग पहन के जुए कैसे आ गए? हाँ, रात को तुम्हारे साथ ही तो सोती हूँ, तुम्हारे सर से मेरी विग में आ गई होगी। माँ जी, एक बढ़िया आदमी पकड़ कर लाया हूँ। बड़ा आया, पिछली बार किसी को लाए हो कह के एक नौवे को ले आए जिसने इसकी ये हालत कर दी। बड़ा आया, न जाने कैसा उस्तरा चलाया, एक भी बाल आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसके सर पर तेल मल मल के मेरे हाथ की सारी लकीरें गायब हो गई। वही आदमी फिर से आया है। ओह, किस लिए? मुझे टकला करने? वो बात नहीं माँ जी, आपके बेटे के लिए दूल्हा देकर आया है। ये बात है, उसे जल्दी बुला। हे, हे, आजा आजा। ना 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 ना। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। एक ग्लास पानी लेकर आओ। किस लिए? पीने के लिए। पानी बाद में पीजिएगा, पहले जो आए हैं उस काम को बताइए। माँ जी, मुझसे जो पाप हो गया था उसका प्रायश्चित करके लड़की के लिए एक अच्छा लड़का देख कर आया हूँ। हाँ, मेरी बेटी के लिए। लड़की चाहे टकली क्यों ना हो, लेकिन तंदुरुस्त होनी चाहिए, ऐसा कहा। मामा, मुझे वही दूल्हा चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, उसमें एक छोटी सी दिक्कत है। कैसी दिक्कत? लड़के से मैंने, लड़की अच्छा गाती है, अच्छा पढ़ती है, अच्छा इंग्लिश भी बोल लेती है, ऐसा एक छोटा सा झूठ बोला है। हमें कैसे भी करके ये सब एडजस्ट करना होगा। मेरी बेटी को इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता। ऐसा कौन सा बड़ा इंग्लिश जो मैंने नहीं देखा हो? आप सिर्फ चार अक्षर कहने के लिए कह दीजिए, बाकी का मैं मैनेज कर लेता हूँ। अरे रे, चार अक्षर, वो क्या है? अगर वो कुछ भी पूछे, यस, नो, आई सी, थैंक यू, इस तरह चार शब्द बोल देना, बाकी का मैं संभाल लेता हूँ। यस, नो, आई सी, थैंक यू, बस इतना ही, देखना दूल दूल कर दूंगी। ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? रुकिए मैडम, मैं देखता हूँ। मामा, वो देखो ना, वो मूर्ति बहुत अच्छी है ना, मैं जाके वो ले लूँ? नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं एक चुम्मा तो देकर आ जाऊँ। माँ रानी, मूर्ति को कोई चुम्मा देता है क्या? बस बैठ जाओ। ड्राइवर, गाड़ी ठीक नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, ऑटो लेके आओ। बस हो गया मैडम, गाड़ी रेडी है। तो जल्दी निकालिए ना गाड़ी, जल्दी चलो। हाय, मैं बिटिया के लिए खाना लेके आई हूँ। देख, भत है, मछली है, दाल है, सब्जी है और मिठाई भी लाई हूँ। खा ले मेरी लाडली बिटिया। मेरी बिटिया है ना, मेरी लाडली है ना, मेरी देवी माँ, खा लेना खा लेना। नहीं खाएगी क्या? नहीं खाएगी क्या? वो ढोंगी स्वामी की तरह अगर मैं तुझे दूध, बादाम, खीर, मिठाइयाँ सब ला के दूंगी तभी खाएगी क्या? उतरा सब लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यही खिला सकती हूँ। खा लेना बिटिया, खा लेना। नहीं खाएगी?
नहीं खाएगी बिटिया, नहीं खाएगी। मैंने तुझे अपनी बिटिया समझा और तू मेरी बात भी नहीं मानती है। मैं तेरे सामने ही अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगी, तब जाके तू खाएगी ना, ठीक है? कौन है तू? कौन है माई तू? कौन मैं? अभी तक खाना परोसकर जिसे तुम खाने के लिए बुला रही थी, मैं वही नाग माता हूँ। क्या बोली? नाग माता? मेरी बिटिया, मेरी लाडली, तू कितनी खूबसूरत है। मैंने तुझे पत्थर कह दिया, मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी। कोई बात नहीं माँ, प्यार से देवी डांट भी अर्चना जैसी होती है। अच्छा, खाना परोस रखी ऐसा कह रही थी, पर खाना चाहिए? मैं अभी लाती हूँ, अभी लाई। बिटिया, मैं इस तरफ जाऊँ तो तू उस तरफ मत चली जाना, देखो इधर ही रहना, देखो अपनी बात से मुकरना नहीं। मेरी जुबान दो है पर दिया वचन एक ही होता है। लो मैं आ गई, खाओ बिटिया, खाओ। ये क्या, मुर्गी और अंडे लाई हूँ? क्यों बिटिया, ये नहीं खाओगी तुम? प्यार से जो भी देती हो वो मुझे पसंद है। ऐसा है तो खा लो बिटिया, खा लो। अंडे खाने वाली को आज मुर्गी ही मिल गई। खाओ बिटिया, खाओ। मेरी लाडली बिटिया ने खाना खा लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर पहले तो तू मूर्ति थी, अब तू बिटिया सामने आ गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या पहली है? पार्वती माँ, ऐसे सवाल करेंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं 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 बिटिया, तू मुझे छोड़ के कहीं भी मत जा, मैं तुझसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। कोई मुझसे कुछ पूछेगा भी तो भी मैं जवाब नहीं दूंगी, ठीक है? तू मुझे छोड़ के मत जाना बिटिया, ठीक है? मेरी लाडली बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया, मुझे छोड़ के तू कहीं मत जाना। मेरे साथ ही हमेशा रहना। ड्राइवर, गाड़ी मेन रोड से लेके जाओ। मेन रोड से मिनिस्टर आ रहा है मैडम, उधर से नहीं जा सकते। गाड़ी रोकिए। ठीक है, चलिए। सावित्री, तुम सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। स्कूल जाने वाले रास्ते में एक झोपड़ी के द्वार पर नागदेवी की मूर्ति देखी, वो अपने नागदेवी की मूर्ति की तरह ही थी। इतना ही नहीं, वो मूर्ति हमें देखने के बाद तुरंत घूमने लग गई। जब स्कूल से वापस आते हुए देखा तो वो मूर्ति वहाँ पर नहीं थी। शुरू कर दिया, चार वर्ष नागदेवी के बारे में कुछ बात नहीं की थी, अभी फिर से कोई मूर्ति देख के डर के आ गई हो। इधर देखो, गांव में कितनी सांप की मूर्तियां, वो सब नागदेवी हो सकती हैं क्या? तुम डरो नहीं, चलो। इस धरती पर हम हैं सर्पों की एक विशेष जाति, माथे पे हमारी हर पल चमके है मन की ज्योति। हर किसी की इच्छा को पूरी करने आए हैं हम से। याद करो तो पल में हाजिर हूँ मैं वहाँ, तुम जो हो प्यारी तो मैं भी हूँ प्यारी, मैं हूँ प्यारी नागदेवी। मैं तुम्हारी नागदेवी। सारी माँ पादा माँ पापा पापा मारी मरी रे ससा री मरी सरी रे मपगा मा पापा री पा मगरी रे ससा सरी री मपा मगरी रे ससा। इस
इस धरती पर है हम सर्पों की एक विशेष जाति। माथे पे हमारे हर पल चमके है मन की ज्योति। जो हो प्यारी तो मैं भी हूँ प्यारी, मैं हूँ प्यारी नाग देवी, मैं हूँ प्यारी नाग देवी। ना 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 ताना ताना ना 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 ना। पार्वती माँ, पार्वती माँ। हाँ? तुम गाना गा रही थी? मैं ही गा रही थी, अच्छा लगा। मैंने सोचा कोई और गा रहा है। अच्छा, कोई अच्छा गाना नहीं गा सकती? सांप का गाना क्यों गा रही है? गलत है बिटिया, देवी को सांप नहीं कहते हैं, वो तो नाग देवी है। नाग माता का दिल दूध की तरह साफ होता है बेटी। ठीक है ठीक है, उसके बारे में बात क्यों, तुम अपना काम करो। बढ़िया है। ये क्या है, नाग देवी के बारे में बात करो तो उसे सांप की तरह गुस्सा आ रहा है। पार्वती माँ, जरा यहाँ तो आना। क्या है बिटिया रानी? तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा क्या? हाँ। पार्वती माँ, मुझे गाना गाना सिखाओगी? मैं गीत गाना सिखाऊँ? फिर तो हो गया। मेरे घर में मेरी बिटिया ने मुझे ये गाना सिखाया था, तभी तो मैंने ये गाना गाया। अपनिया? हाँ, चाहे तो तू मेरे घर आके मेरी बिटिया से गाना सीख ले, फीस तू 50 रुपए देगी तो बस। मैं माँ से झूठ बोलकर पैसे लेकर आती हूँ। अम्मा से झूठ बोल के? भला झूठ क्यों बोलना है, चलो छोड़ो। ये मेरा बेटा है और ये मेरे पति। क्या शर्ट नहीं पहनी ये सोच रही हैं उस समय के त्यागी हैं? अरे रे, क्या यही मेरे ससुर बनेंगे? हाँ क्यूरी, मेरे पति को देखकर आंख मार रही है, आर यू फूल? यस यस यस। ऐसी क्यों बात कर रही हो, आर यू एजुकेटेड? नो नो, आई डोंट लाइक यू। आई सी, बकवास मत करो। थैंक यू थैंक यू। रानी कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे स्कूल में गाना गाकर प्राइज जीतना है ना। हाँ, तभी तुम्हें गर्व होगा और मुझे भी। तो मैं टीचर के घर जाकर गाना सीखूं? किस टीचर के पास? स्कूल टीचर के पास ही माँ। थोड़ी रुक जाओ, मैं खुद लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं माँ, टीचर का घर पास में ही है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। रानी संभल के, उस दिन हम लोग गए थे ना, उस रास्ते से मत जाना। नहीं माँ, मैं मेन रोड से ही जाऊंगी। पार्वती माँ। हाय रानी बिटिया, आ गई, आ जाओ आ जाओ। मैंने सोचा तेरी अम्मा तुझे भेजेगी कि नहीं भेजेगी, पर तूने जैसे कहा वैसे ही आ गई। आओ रानी, मेरी जगह का रास्ता तुझे मालूम है या नहीं सोचकर मैं खुद ही यहाँ पर आ गई। तुम पार्वती माँ हो, वो कौन है? मुझे नहीं जानती, अच्छी तरह देखो। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? और तुम्हें मैं हर रोज देखती हूँ। मेरे घर तो तुम आई नहीं हो, फिर कैसे देखा होगा? जहाँ भी तुम रहो, तुम्हें देखने की शक्ति मेरी आँखों में है। ठीक है, गाना शुरू करें? शुरू करते हैं, पर उससे पहले गुरु दक्षिणा कहाँ है? मैं लेकर आई हूँ ना। ये क्या, केवड़े का फूल लेके आई है? केवड़े के फूल मुझे पसंद है, ईरानी अच्छी तरह जानती है। ठीक है ठीक है, तुम इसे गाना सिखाओ, मैं जाके जरा संडास साफ करके आती हूँ, चलती हूँ। इस धरती पर हम हैं सर्पों की एक विशेष जाति। माथे पे हमारी हर पल चमके है मन की ज्योति। हर किसी की इच्छा को पूरी करने आए हैं हम यहाँ। पद नि सा 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 न
धरती पर हम हैं सर्पों की एक विशेष जाति। माथे पे हमारी हर पल चमके है मन की ज्योति। हर किसी की इच्छा को पूरी करने आए हैं हम रानी, तुम्हें ये गाना किसने सिखाया? मेरी टीचर ने। नाम? नागमणि। गांव? नागेश्वर गांव। ये सब क्यों पूछ रही हो माँ? गीत तुम्हें बहुत ही देवी भक्ति से सिखाया है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल रानी को फॉलो करके वो कौन है पता करना है। ऐसे क्या देख रही हो रानी? तुम्हें टीचर बुलाऊं या दीदी बुलाऊं या माँ बुलाऊं? गाय सफेद रंग की हो या काले रंग की हो, उसका दूध सफेद ही होता है। इसी तरह तुम मुझे कुछ भी बुलाओ, लेकिन मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हें माँ ही बुलाऊंगी। माँ, मैं तुम्हें पसंद हूँ। हाँ, पसंद नहीं होती तो मैं यहाँ पे क्यों आती? क्या खाओगी? तुम्हें क्या पसंद है? पहले मुझे रोटी सब्जी पसंद थी, लेकिन अब मुझे दूध अंडा ही पसंद है। अभी तो तुम मेरे रास्ते पे आई हो, और कुछ दिनों में ही तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जाओगी। सावित्री, तुम वाकई सच कह रही हो? सच कह रही हो। उस दिन नाग देवी की मूर्ति देखा मैंने, कहा तो आपने नहीं माना। आज उसी नाग देवी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 4 साल पहले डॉक्टर बनके मेरा प्रसव कराने वाली वही नाग देवी आज टीचर बनके रानी को गाना सिखाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसे ही छोड़ दिया तो रानी हमारे हाथ से निकल जाएगी, रानी हमें छोड़कर चली जाएगी। बाप रे बाप, पहले इक्का डालने की सोची आपने, फिर 8 डालने की सोची जनाब ने, और अब रानी को डालने वाले हैं। अगर ऐसा ही चाल चलोगे तो रानी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। ऐसे ही छोड़ दिया तो रानी हमारे हाथ से निकल जाएगी। पहले ही मैं डिक करने वाला था, धोखा खा गया, लेकिन अब डिक करता हूँ। मिस्टर पैसला, तू क्या देख रहा? पैसे निकाल। पहले मैंने 1 डाला, फिर 8 डाला, अंत में क्वीन डाला, सब करेक्ट बोल रहे हो। तुम कोई ग्लैमर नहीं, काले जादूगर हो। तुम्हारी जीत धोखा है, मेरे रुपए छूना नहीं। मैं पैसे ले बगैर जाऊंगा नहीं। हाथ हटा।
एक्सक्यूज मी, मैंने आपको दुश्मन नहीं समझा, सच में मैं आपका भला ही चाहता हूँ। आप बड़ी मुसीबत में हो, मेरा यकीन नहीं ना। आपकी जेब में एक बच्ची की तस्वीर है और उस बच्ची के इर्द गिर्द सांप ही सांप है, यकीन ना हो तो देख लो। ये रहा मेरा पता, कभी भी किसी भी वक्त तुम मेरी मदद ले सकती हो, चलता हूँ। ट्यूशन जाना बहुत हो गया, गाना वाना कुछ नहीं चाहिए, तुम यही रहो। मामा मैं गाना सीखूंगी तभी तो प्राइस जीतूंगी, मुझे जाने दो ना। मना किया ना, चुप रहो। माँ क्या माँ, मा, तुझे बाहर जाने दिया तो ही गीत सीखेगी ना, अब घर में ही रह। माँ संगीत सिखाएगी, आप देखती हो कैसे सिखाती है। इस धरती पर हम हैं सर्पों की एक विशेष जाति, माथे पे हमारी हर पल चमके है मन की ज्योति। जो हो प्यारी तो मैं भी हूँ प्यारी, मैं हूँ प्यारी नाग देवी। मैं हूँ प्यारी नाग देवी। अरे पगली, अगर तुम ऑफ करोगी तो मैं ऑफ हो जाऊंगी, दिए की बुझनी सी चांद बुझ जाएगा क्या, ये चलती हवा को ही कौन मुट्ठी में पकड़ पाया है। तू अपनी बायाजल यहाँ मत दिखा, शराफत से तू यहाँ से चली जा। मेरा कर्ज लौटा दे, मैं चली जाऊंगी। कर्ज कर्ज कह के तू क्यों ऐसे गिड़गिड़ा रही है, कोई भी माँ अपने बच्चे को देगी क्या। ये तुझे पहले ही सोचना था, काम होने तक तो पैर पकड़ रही थी, अब गर्दन पकड़ रही है। कितने लाख रुपए चाहिए, मैं तेरे मंदिर की हुंडी में डाल देती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। कार बंगला खेत खलियान सब होती हुई भी एक बच्ची के लिए तू कितना गिड़गिड़ाई थी। करोड़ों करोड़ों रुपये क्यों ना हो, एक बच्ची के बराबर नहीं, बेकार की बहस किए बिना बच्ची मुझे दे दे। मैं कितना कष्ट सह के 10 महीने पेट में रखकर जन्म दिए बच्चे को, गलती से मुंह से निकले शब्द की वजह से तुझे अर्पण कर दूं मैं, वो कभी नहीं होगा, तू जो कर सकते कर ले। देवी देवता से लड़के जीत जाएगी सोचती है। क्यों नहीं जीत सकती, सती अनुसैया सावित्री ने क्या देवता से नहीं लड़ी, या वो नहीं जीती। वो सावित्री अपने पति के लिए लड़ी और जीती, ये सावित्री बच्चे के लिए लड़ेगी और जीतेगी, ये सच है। जो बच्चा मुझे अर्पण करेगी तूने कहा था, उस बच्चे को लिए बिना ये गांव छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा वचन है। सावित्री क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मैं क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा, नाग देवी जो गांव में आ गई है आज हमारे घर तक आ गई, दरवाजा बंद होने की वजह से वो टीवी में आके बोल रही थी, सर्वशक्तिमान नाग देवी से हम जैसे साधारण मनुष्य लड़के कैसे जीत पाएंगे, अब से हमारी बच्ची हमारे लिए नहीं है, हमारी नहीं है। वेलकम मिस्टर रामू, वेलकम। बाप रे बाप, मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढ कर यहाँ जरूर आओगे,
हेलो मिस्टर रामू, आप तो हमारे मेहमान हैं, तशरीफ रखिए, प्लीज टेक योर सीट। ये क्या है रामू, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, बैठ जाओ। अच्छा मिस्टर रामू, ये बताइए क्या लेंगे आप, बियर, ब्रांडी, विस्की, रम? इस तरह टीवी में आके डराओ नहीं, सामने आओ, प्लीज सामने आओ। ये क्या मिस्टर रामू, घर में टीवी की समस्या है तो यहाँ भी टीवी की समस्या सोच रहे हो? भगवान कण में भी है, धूल में भी है, लेकिन मैं टीवी में भी हूँ, यहाँ भी हूँ। मिस्टर राव, एक मुसीबत आन पड़ी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। As a friend, मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ, come on, tell me। बच्चे का भाग न होने से बच्चे की कामना के लिए एक मंदिर गए, वहाँ यही हुआ था। मिस्टर राव, आप कैसे भी हमारी बच्ची को नागन से बचा लीजिए। यू डोंट वरी, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उस नाग माता को इस गांव से ही खदेड़ दूंगा। मिस्टर राव, आप ही का भरोसा है, प्लीज चलता हूँ। नाग माता अपनी सीमा पार करके यहाँ चली आई है, इसकी मदद करने के बहाने उस नाग माता के माथे से उस अनमोल मणि को छीन लूंगा मैं। That's it! मामा, क्या है बेटी? इन सब गुड़ियों में से मुझे वो वाली गुड़िया बहुत पसंद है। माँ, माँ ये कौन नई माँ आ गई? ये कोई अम्मा वामा नहीं है, ये टीचर अम्मा है। क्यों सावित्री, अच्छी तो हो ना? जिन जिन को जहाँ जहाँ पे रहना है वहाँ रहे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाखों ने एक बात कही, पर किसे कहाँ पे रहना है इस वक्त, यही तो परेशानी है। नवरात्रि के उत्सव पर काफी सुंदर सुंदर गुड़ियाएं सजाई हैं, पर सही जगह पे किसी को नहीं रखा। ये वाली गुड़िया नाग माता के पास होनी चाहिए। जरा हटो, नहीं नहीं, देवी माँ के बगल में एक साधारण बच्चे को रखोगे? इस बच्चे को अपनी माँ के पास रहना है। देवी माँ भी एक माँ है, उसके मन में भी ममता है, ये गुड़िया यहीं पे रहनी चाहिए। नहीं नहीं, इस बच्चे सावित्री, रुक जाओ, वो टीचर है, वो सब जानती है, वो जो कह रही है वही ठीक होगा, बच्चे की गुड़िया माता के पास रहने दो। चढ़ाना है शगुन, अच्छा शगुन, चंदन कुमकुम से नहलाना है शगुन, अच्छा शगुन। मेरी बच्ची को छोड़ दे, करुणा कर करुणा दाई, गलती से निकले शब्द अन्याय न कर माँ, अब और दुखी न कर जाओ माँ। मेरी बांबी पे तो चढ़ाना है शगुन, अच्छा शगुन, चंदन कुमकुम से नहलाना है शगुन, अच्छा शगुन। तू जो लेकर आई आए नहीं वो कर्ज है, कर्ज न चुकाया तो देवी का शाप है, जिद क्यों कर रही दे माँ। तेरी बांबी पे तू चढ़ाना है शगुन, अच्छा शगुन, चंदन कुमकुम से नहलाना है शगुन, अच्छा शगुन। Thank you.
कर भवनों पर ही उड़ जाए माँ। कर दे दया तो माँ, क्या तेरा हक उस पे बोल माँ। जन्म देने वाली हूँ मैं, रक्षा करने वाली देवी मैं। तेरी बांबी पे तू चढ़ाना है शगुन, अच्छा शगुन। चंदन कुंगुम से नहलाना है शगुन, अच्छा शगुन। मेरी बच्ची को छोड़ दे करुणा कर करुणा दाई। तू जो लेकर आई आई नहीं वो कर्ज है, अब और दुखी न कर जाओ माँ। मेरी बांबी पे तो चढ़ाना है शगुन, अच्छा शगुन। चंदन कुमकुम से नहलाना है शगुन, अच्छा शगुन। मसले पड़ने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? देवी माँ से लिपटने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? अब देख, देवी के साथ साथ तुझे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। Ah!
नागदेवी से हार के आए हो, फिर से लड़ो, ये गुलदस्ता ले आया हूँ। बेचारे, इतनी चोट लगने से यहाँ पड़े हो, जल्दी ठीक हो जाओ, इसलिए गुलदस्ता लेके आया हूँ, ले लो। छे, उस देवी के कारण आज ये नागन बच गई। मैं अपने मंत्र शक्ति के जरिए उसे नष्ट करके रहूंगा। नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूंगी, अपनी बिटिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे पार्वती, तुझे ये चाहिए तुझे ये सब, क्या करूंगी अब, मैं क्या करूं अभी। पार्वती माँ, हाय, क्या हुआ, अकेले में बड़बड़ा रही हो? मेरी वजह से तुम्हारा काम छूट गया, झोंपड़ी में रह नहीं सकती, इस नाग देवी को पत्थर ही रहने देती, बेटी बन के इतनी परेशानी खड़ी कर रही है, सोच रही हो? क्यों री, मैं तुझे भार समझती हूँ क्या? बहुत अच्छी बिटिया, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसीलिए तो ऐसे बोल रही है मेरे साथ। हाँ, कोई माँ अपनी बिटिया को भार समझती है क्या? और जो ऐसा सोचे वो माँ नहीं, डायन होती है। दांत में जहर हो सकता है पर जुबान में नहीं होना चाहिए। मेरी नौकरी चली गई, मुझे निकाल दे, इसलिए बड़बड़ा रही हूँ, सोच रही थी आज शुक्रवार है और तुझे देने के लिए मेरे पास एक बूंद दूध नहीं है, मैं उसके लिए इतना रो रही हूँ और तूने मुझे क्या सवाल कर दिया कि मैं तुझे भार समझती हूँ, क्या रे, मैं ऐसे सोच सकती हूँ क्या? क्या बिटिया? पार्वती माँ, जल्दबाजी में ऐसा कह दिया, मुझे क्षमा कर दो। अरे रे, ऐसा मत बोल बिटिया, तुझे दूध का अभिषेक करने के लिए मेरे पास दूध नहीं है बिटिया। उसके बारे में तुम चिंता मत करो, ये संसार रहने तक इस नाग देवी का दूध अभिषेक होता ही रहेगा, अभी भी किसी एक कोने में मेरे लिए थोड़ा दूध होगा। माँ, आज शुक्रवार है, बहुत भूख लग रही है, दूध दे दो ना। दूध चाहिए तुझे, अभी लाई, दो दिन से ये सुनने के लिए मैं कितनी तड़प रही थी, रुको अभी लाई। अभी इसी वक्त तुम्हारी आंखों के सामने मेरा दूध अभिषेक होने वाला है। देख तेरी बेटी क्या कर रही है। रानी, क्यूरी तेरी मती मारी गई, पीने के लिए माँ ने दूध दिया तो उसे मिट्टी पे डाल रही है। ये मिट्टी का घर नहीं है, नाग देवी का घर है। नाग देवी वो तो एक सांप है। नहीं, नाग माता एक देवी है और ये एक मंदिर। सिर्फ एक मिट्टी के ढेर को मंदिर बोल रही है, अभी क्या करती हूँ देख। रुक जाओ, नाग माता तुम्हें दंड देगी। वो क्या कर लेगी मैं भी देखती हूँ। पैर से इसे कुचल दिया, अब देखते हैं वो क्या कर लेगी। माँ, सुनिए, डॉक्टर को बुलाइए। सावित्री, मौसी को क्या हुआ? इस बांदे को लात मारते ही माँ को लकवा पड़ गया। जल्दी करो, डॉक्टर के पास में चलते हैं। संभल के। ये क्या हो गया? बच्ची बांबी को मंदिर बोल रही थी, अभी घर ही मंदिर हो गया। बांबी को देखने से डर लग रहा है और माँ को देखने से भी डर लग रहा है। जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं।
हमें जाना है डॉक्टर को नहीं। हेलो मिस्टर राव। मिस्टर राव, मिस्टर राव, आपके घर में पैर रखते ही वो बांबी गायब हो गई। बांबी क्या? तुम्हारी परेशानी, तुम्हारे दुख सब मेरी वजह से दूर होने वाले हैं। थैंक यू डा। हाँ मिस्टर रामो, तुमने उस दिन कहा था कि नागिन टीवी पे आई थी और आज बांबी में, करेक्ट? तुम दरवाजा बंद करके रखो या लाख पहरे लगाओ, लेकिन जरूर वो नागिन आके तुम्हारी बच्ची को लेके जाएगी। उस नागिन की शक्ति सिर्फ मेरे सामने नहीं चलेगी, अगर तुम्हारी बच्ची मेरे पास है तो नागिन कुछ नहीं कर पाएगी। क्या कहते हैं आप? करेक्ट मिस्टर राव, हमारी बच्ची आपके पास रहेगी तो नाग देवी से कोई भी आफत नहीं होगी। सावित्री, रानी को राव के घर भेज दें। हमारी बच्ची से बिछड़ के। सावित्री कुछ मत सोचो, हमारे लिए हमारा बच्चा जरूरी है। वो मिस्टर राव के पास रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, प्लीज। रानी कुछ दिनों के लिए उस अंकल के घर में जाके रहोगी ना? उसके घर? ठीक है माँ। रानी, मिस्टर राव, बच्ची का ठीक से ध्यान रखना। यू डोंट वरी, मेरा काम पूरा हो गया, चलता हूँ। सावित्री फिकर ना करो। बाप रे बाप, जैसे वह गुड़िया जल के राख हो गई उसी तरह वह बच्ची भी जल के राख होने वाली है। सर ये क्या? सर आप तो बच्चे को संभाल कर रखेंगे कहकर लाए थे, देखो लेकिन आप तो उसे टॉर्चर कर रहे हैं। देखो अगर मैं उस बच्ची पर जुल्म करूंगा तो ही वो नागिन खुद ब खुद यहाँ आएगी, यही मेरा प्लान है। सर जो भी हो सर, लेकिन बच्ची तो बच्ची है ना। ए, मोबाइल कर। देवी कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो बिटिया? तुम्हारी ममता की भावना के लिए मैं यहाँ पर आई, अब अपनी बच्ची की भावना के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। बिटिया रानी, मैं एक महीने से व्रत कर रही थी, आज मेरा व्रत टूटा है तो मैं तेरा दूध अभिषेक करूंगी और तेरी पूजा करना चाहती हूँ बिटिया। पार्वती माँ, अभी भी मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ तो अभी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। यहाँ तुम्हारा व्रत खत्म होने के समय पर मैं एक अन्याय को खत्म करने जा रही हूँ, चलती हूँ। रुक जा। वेलकम वेलकम, अनमोल नागमणि आज चल के मेरे यहाँ आई है। उस नागमणि को तुम मेरे हवाले करोगी या मुझे छीनना पड़ेगा? हा? मेरी शक्ति जाने बिना मेरे साथ खेल रहा है? तुम्हारी शक्ति के बारे जान के क्या करूँगा, मेरी शक्ति नहीं देखोगी तुम? अभी देखो।
सावित्री सब ठीक हो जाएगा। शक्ति शक्ति ओम पराशक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति ओम शक्ति ओम पराशक्ति। माँ तुम्हारी कृति नाग शक्ति को गरुड़ शक्ति से खत्म करने की सोच रहा है, उस पापी को दंड तुम्हें ही देना होगा। कंप्यूटर फेल हो गया। गरुड़ मेरी तरफ ही आ रहा। नाग देवी, उस पापी से मेरी बच्ची को बचा लिया तुमने, मैं बहुत आभार हूँ। इतना होने पर भी रानी को अपनी बच्ची बोल रही है। क्षमा कर दो, अपने वचन को ना निभाने से उसका दंड मैंने भुगत लिया। इस बच्ची का जन्म तूने दिया, इसकी रक्षा भी तुमने ही किया। अब से ये बच्ची, इस बच्ची को तुम्हारे पास ही रहना है। तब तो ये मेरी बच्ची है ना, कुछ भी करने का अधिकार मुझे है। बिल्कुल तुम्हें अधिकार है माँ। तब तो मैं जो कार्य करने जा रही हूँ तुम्हें स्वीकारना होगा। ठीक है माँ। तब तो मैं अपनी इस बच्ची को तुम्हारे हवाले करती हूँ, इसी पल से रानी तुम्हारी हो गई। इसी तरह बच्ची को मुझे सौंप दिया होता यही सोच रही हो ना, पर बच्ची को मृत्यु दोष था, पर तुम्हारे घर वालों से ही इसे खतरा था, उससे बचाने के लिए ही मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। लेकिन अब इस पे कोई संकट नहीं, सिर्फ यही बच्ची नहीं, हर एक बच्चा मेरा अपना बच्चा है।
सब सदा सुखी रहें, यही मेरी इच्छा है। हर किसी की इच्छा को पूरी करने